Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the third lecture on limit pricing theory. उसी चीज को यहाँ स्लाइड पे लिखा गया है, सबसे ऊपर लिमिट प्राइस थ्योरी का ये तीसरा भाग है, तीसरा लेक्चर है. मैंने ये लेक्चर छोटे बनाए हैं थोड़े, ताकि आप आसानी से सुन लें और समझ लें. और पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था जो हुआ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, वो बेन के पहले आर्टिकल पर आधारित था जो 1949 में पब्लिश हुआ था, और उसका टाइटल था ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन. उस पर पहला लेक्चर हमारा बेस था लिमिट प्राइसिंग थ्योरी पे, और बेन ने जो आर्टिकल लिखा था 1949 में ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन, जो अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में पब्लिश हुआ, उसमें सारा फोकस इस बात पर था कि जो इनकम्बेंट फर्म है वो अपना प्राइस मोनोपोली प्राइस के नीचे रखती हैं ताकि लॉन्ग रन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके. शॉर्ट रन प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं था, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके. और जो बेन ने दूसरा आर्टिकल लिखा, मैंने आपको बताया था, वो 1956 में उनकी किताब पब्लिश हुई थी, उसका टाइटल यहाँ लिखा गया है बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन. तो लिमिट प्राइसिंग थ्योरी में जो सेकेंड लेक्चर था वो बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन पर बेस्ड था, और उसमें तीन चीजों पे हमने फोकस किया था. पहला ये कि बेन ने अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो चेंज कर दिया. 1949 में जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया था कि फर्म्स मोनोपोली प्राइस के नीचे इसलिए कीमत रखती हैं कि वो लॉन्ग रन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें, उस एजम्पशन को छोड़ दिया और उसकी जगह एक नया एजम्पशन लिया, और वो एजम्पशन था कि फर्म्स जो इनकम्बेंट फर्म्स हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर कीमत क्यों रखना चाहती हैं. They want to keep higher prices, or they want to keep incumbent firm want to keep actual prices higher than the competitive prices, because there are barriers that exist in the market which deters the entry of new firms in the market. क्योंकि monopoly competitive price के ऊपर इसलिए रखना चाहती हैं firms कीमत कि मार्केट में कुछ बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन बैरियर्स की वजह से फर्म डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से ऊपर प्राइस चार्ज करती है. और दूसरी बात ये कि जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें लिमिट प्राइस कितना ऊपर होगा कॉम्पिटिटिव प्राइस के, ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ बैरियर्स कितने हैं, कि बैरियर्स की स्ट्रेंथ कितनी है. अगर बैरियर्स आर हाईली पावरफुल देन इट कैन चार्ज एज हाई एज मोनोपोली प्राइस, एंड इफ बैरियर्स आर लेस पावरफुल देन इट कैन चार्ज स्लाइटली लोअर प्राइस देन मोनोपोली प्राइस, एंड इफ बैरियर्स आर टोटली इम्पोर्टेंट then it has to charge same price as competitive price. So strength of barriers पे depend करती थी, और वो strength of barriers को हम measure करते थे E से, condition of entry से, और condition of entry E equal to 1 है तो जो incumbent firm है वो 100% premium charge कर सकती है above competitive price, यानी limit price equal to 2 PC or is equivalent to monopoly price. और E अगर जीरो है तो इसका मतलब है लिमिट प्राइस इक्वल टू कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी बैरियर्स टू एंट्री को एग्जिस्ट नहीं करते, कंडीशन ऑफ एंट्री जीरो है, यानी एंट्री की जो शर्त है वो शून्य है. तो E की वैल्यू इंडिकेट करती है कि कितना प्रीमियम वो चार्ज करेगी जो इनकम्बेंट फर्म है, और बैरियर्स अगर स्ट्रांग है तो प्रीमियम हायर होगा, बैरियर्स वीक है तो प्रीमियम कम होगा. अब बैरियर्स क्या है, हमने आपको बताया था बैरियर्स को दो भागों में बांटते हैं,
एक इनोसेंट बैरियर्स है, उसका एग्जांपल लास्ट टर्न में दिया था और वो एग्जांपल उससे पर्टेन करता था। इनोसेंट बैरियर जो आपको बताया था वो लार्ज स्केल इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कि अगर लार्ज स्केल इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उस केस में वो एक नेचुरल बैरियर है, इनोसेंट बैरियर है और फर्म आसानी से प्रवेश नहीं करेगी। मैंने एग्जांपल भी दिया था पावर प्रोडक्शन का, कि अगर आप हाइड्रो पावर का केस लें तो वहाँ एक एक टर्बाइन 5 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास की है। तो ऑर्डनरी जो फर्म्स हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं, ऑर्डनरी के बड़ी फर्म्स भी हैं, वो भी कई बार सोचेंगे प्रवेश करने में, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व। इसीलिए आप देखिए पावर प्रोडक्शन में इंडिया में खासकर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर एक आई बी एनरॉन इंटरनेशनल के नाम से, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन कामयाब नहीं रह सके। तो जो इनोसेंट बैरियर्स हैं, और दूसरा हमने बताया था स्ट्रेटेजिक बैरियर्स हैं। स्ट्रेटेजिक बैरियर्स जो हैं वो मैन मेड बैरियर कहलाते हैं। यहाँ पे आज जो डिस्कशन है बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन में, और ये बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन का सेकेंड भाग है, और इस पे हम इनोसेंट की जगह पे स्ट्रेटेजिक बैरियर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ऊपर हेडिंग में डाला हुआ स्ट्रेटेजिक बैरियर्स एंड देयर रोल इन लिमिट प्राइस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बैरियर्स। सबसे पहले हमने मीनिंग बताया है कि स्ट्रेटेजिक बैरियर्स आर मैन मेड बैरियर्स डिजाइन डेलिब्रेटली टू चार्ज हायर प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी जो स्ट्रेटजिक बैरियर्स हैं ये नेचुरल बैरियर्स नहीं है, दे आर डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स और मैन मेड बैरियर्स हैं, और इनको हम डेलिब्रेटली डिजाइन करते हैं ताकि जो इनकम्बेंट फर्म है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। तो ये स्ट्रेटजिक बैरियर्स हैं। स्ट्रेटेजिक बैरियर जो है मैन मेड बैरियर्स हैं, दे आर डेलिब्रेटली डिजाइंड डेलिब्रेटली कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन बींग सो दैट द इनकमेंट फर्म द एग्जिस्टिंग फर्म कुड चार्ज हायर प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर वो प्रीमियम ज्यादा ले सके। तो वो स्ट्रेटेजिक बैरियर्स हैं। दो बातें हैं, पहली ये कि मैन मेड बैरियर्स हैं और डेलिब्रेटली इन्हें डिजाइन किया जाता है, और दूसरी बात ये कि इनकी डिजाइनिंग इसलिए डेलिब्रेट की जाती है ताकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट बनाना चाहती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एग्जांपल यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजिक बैरियर का पहला एग्जांपल दिया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट प्रेफरेंस बैरियर। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में एक बैरियर जो मैन मेड या स्ट्रेटेजिक बैरियर है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या प्रोडक्ट प्रेफरेंस, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर। कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, और वो फीचर्स के हिसाब से अपने प्राइजेस को हाई कर सकती हैं या लो कर सकती हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, इसीलिए जब आप बाजार जाते हैं कोई चीज आपको सोनी का टीवी लेना है तो बताएगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो और टीवी में आपको नहीं मिलेंगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट प्रेफरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। इसके अलावा दो बैरियर के और नाम लिखे हैं, एक है लो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको भी हम स्ट्रेटेजिक बैरियर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्लासिफिकेशन इतना कॉन्क्रीट नहीं होता, इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता कि हम बैरियर को स्ट्रेटेजिक में डालें या इनोसेंट में डालें, लेकिन आप किस तरह से वो बैरियर को देख रहे हैं, आपका नजरिया कैसा है, तो उस चीज को ध्यान में रख के हम जैसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो उसको इस हिसाब से हम इनोसेंट और स्ट्रेटजिक में क्लासिफाई करते हैं। यूजुअली
इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर है, इसको हम लोग स्ट्रेटजिक बैरियर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर मैंने आपको बताया जो स्ट्रेटजिक बैरियर है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट प्रिफरेंस बैरियर। तो स्ट्रेटजिक बैरियर्स के तहत हम लोग तीन बैरियर्स की एनालिसिस करेंगे, एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट प्रिफरेंस बैरियर, दूसरा है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर, तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर। तो ये तीन का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आज जिसकी एनालिसिस करेंगे वो एक बैरियर है, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर। जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें एक एक बैरियर करके एनालिसिस की गई है, इसीलिए नंबर ऑफ लेक्चर लिमिट प्राइसिंग में ज्यादा हो गए हैं। तो आज केवल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर की एनालिसिस हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर? यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल थ्योरी, इन द ट्रेडिशनल थ्योरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट प्रिफरेंस बैरियर इज यूज एज अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट सेल्स ऑफ द फर्म। कि जो ट्रेडिशनल फर्म की थ्योरी है, जैसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन पड़ी, तो वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या प्रोडक्ट प्रिफरेंस बैरियर जो है वो लॉन्ग रन में सेल्स प्रमोशन के काम आता है। लेकिन लिमिट प्राइस थ्योरी में प्रोडक्ट प्रिफरेंस और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर इज यूज टू चार्ज प्रीमियम ओवर कॉम्पिटेटिव प्राइस। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा कि इन द लिमिट प्राइस थ्योरी इट इज यूज एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू चार्ज प्रीमियम ओवर द कॉम्पिटेटिव प्राइस। कि ट्रेडिशनल में देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या प्रोडक्ट प्रिफरेंस है तो उसे हम एक टूल की तरह यूज करते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकती है और प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसका एग्जांपल देखा हमने। लेकिन लिमिट प्राइस थ्योरी 1956 में जो आर्टिकल लिखा उसमें बेन ने बताया कि प्रोडक्ट प्रिफरेंस बैरियर इज यूज एज अ टूल टू चार्ज प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटिव प्राइस। केवल एक नया नजरिया उन्होंने पेश किया है कि एक शेर गालिब का है कि मुद्दत हुई कि गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। यानी उन्होंने कहा है कि अगर सेल्स प्रमोशन तो वो ट्रेडिशनल है, लेकिन एक नया दृष्टिकोण ये है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कंपनी करती है वो उसका मेन पर्पस है टू चार्ज प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटिव प्राइस। अपने प्रोडक्ट को कंपनी डिस्टिंक्ट बना के हायर प्रीमियम कंज्यूमर से चार्ज कर सकती है और वहां पे ब्रांड नेम और ब्रांड पोजीशनिंग प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में कि कंपनी क्यों हायर प्राइस चार्ज करती है, दिस इज बिकॉज पोटेंशियल एंट्रेंट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैच द क्वालिटी डिजाइन पैकेजिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज दैट हेल्प्स द फर्म टू एस्टैब्लिश ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। कि कंपनी जब प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती है ताकि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को प्रीफर करें और उसका मेन पर्पज ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से वो अपना ब्रांड नेम मार्केट में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एक बार अगर कंपनी ने ब्रांड नेम या ब्रांड पोजीशनिंग अपने प्रोडक्ट की कर ली तो वो आसानी से जो राइवल्स हैं उनके प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस वो चार्ज कर सकती है। आप देख लेंगे कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से थोड़ा कॉस्टली और वो कॉस्ट इंडिकेट करती है कि दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ ब्रांड प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट व्हिच इज बेटर इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर्स एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। वो चीज यहां लिखी है कि अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल डिस्टिंक्ट है
अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग है, तो पोटेंशियल एंट्रेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैच द क्वालिटी। जो एंट्रेंट है उसके लिए बहुत मुश्किल है उस क्वालिटी को मैच करना, उसकी डिजाइनिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग और जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो कंपनी की मदद करती हैं अपने प्रोडक्ट को की ब्रांड पोजीशनिंग करने में मार्केट में। ये सारे जो एक्टिविटीज हैं दे हेल्प्स कंपनी टू एस्टेब्लिश अ ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। और यहाँ नीचे लिखा ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग रेफर्स टू द कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। कि कंपनी ब्रांड पोजीशनिंग इसलिए करना चाहती है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में ये फील हो कि ये प्रोडक्ट बेटर है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स। तो जो भी कंपनीज हैं आप देखिए, पार्ले हैं, ब्रिटानिया है, दे आर एबल टू स्टेब्लिश देयर ब्रांड इन द मार्केट। आप जाएंगे पार्ले का नाम ले लीजिए, मोनेको बिस्कुट ले लीजिए, पार्ले के नाम से पार्ले गोल्ड ग्लूकोज का बिस्कुट ले लीजिए, ब्रिटानिया का आप देखिए ब्रांड ले लीजिए, मिल्क बिकीज आता है उनके नाम, ब्रिटानिया के और भी बहुत अच्छे अच्छे बिस्किट्स हैं, ड्यूक्स का आता है क्रीम बिस्कुट। तो इन लोगों ने मार्केट में अपना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश किया, ब्रांड पोजीशनिंग एस्टेब्लिश की, और उसकी वजह से इनके बिस्कुट जो और जो बिस्कुट है उनसे बेटर आपको मिलेंगे और उनका प्राइस ज्यादा होगा, थोड़ा मार्जिनली हायर होगा। तो ब्रांड पोजीशनिंग अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट की स्टेब्लिश कर लेती है तो उसको एक फायदा रहता है कि इट कैन चार्ज लिटिल हायर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट देन द कॉम्पिटिटिव प्राइस इन द मार्केट। जो जनरल ब्रांड्स हैं उनसे ज्यादा कीमत वो ले सकते। और ब्रांड पोजीशनिंग रेफर्स, यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन देखे, रेफर्स टू द कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर। और ये कहा भी जाता है कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, जब भी आप कोई चीज लें क्वालिटी शॉप से लें, ब्रांड नेम एक उसका बन गया और वो सर चीज सस्ती नहीं मिलेगी। आप ये सोचेगी वो सस्ती मिल जाएगी तो नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे बताया इनकम्बेंट फर्म ऑलवेज हैज द इनिशियल एडवांटेज, यानी जो फर्म काम कर रही है एस्टेब्लिश फर्म जो है, इनकम्बेंट मतलब जो एस्टेब्लिश फर्म जो काम कर रही है, ऑलवेज हैज द इनिशियल एडवांटेज टू फर्स्ट एस्टेब्लिश द ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये जो इनकम्बेंट फर्म है उसको हमेशा एक इनिशियल एडवांटेज रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट में पहले एस्टेब्लिश कर रहे, इनिशियल एडवांटेज, क्योंकि जो फर्म बाद में आएंगे उनको टाइम लगेगा ब्रांड पोजीशनिंग, और जितना टाइम लग ज्यादा होगा उतना ही प्राइस लिमिट प्राइस हायर आप लग सकते। तो इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या जो प्रोडक्ट प्रीफरेंस बैरियर है ये कंपनी की मदद करता है अपनी प्रोडक्ट की ब्रांड पोजीशनिंग करने में। और ब्रांड पोजीशनिंग ये बताती है कि लोगों की निगाह में कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ द राइवल्स। कि जो राइवल का प्रोडक्ट है उनके मुकाबले जो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसका परसेप्शन लोगों के निगाह में कैसा है। और वो परसेप्शन अगर आपने एक बार बना लिया तो आप अपनी ब्रांड को मार्केट में एस्टेब्लिश कर ले जाएंगे। यही नहीं, जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, देखिए आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको बायजू वालों ने खरीद लिया क्योंकि ब्रांड पोजीशनिंग उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली। तो अगर आपने ब्रांड पोजीशनिंग या ब्रांड प्रोडक्ट कमोडिटी का सर्विस का तो वो चीज फिर कभी जल्दी लोगों की निगाह से गिर नहीं सकते। बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे लिबरलाइजेशन आने के बाद के पहले ईसी टीवी हुआ करता था, आपके आप लोगों को तो नहीं याद होगा लेकिन ग्रैंडफादर वगैरह आपको या पापा लोग को याद होगा
पीसी एप्टॉन टीवी वगैरह है, बहुत से प्रोडक्ट हैं, इनकी ब्रांड थी मार्केट में। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये जो पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस थे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एंटरप्राइजेस थी, ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाई, और मेंटेन ना करने का कारण वो इंजीनियर्स नहीं है, वहाँ के ब्यूरोक्रेटिक रिजीम रहा जिसने कंपनीज को गिरने से बचाया नहीं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ब्रांड पोजीशनिंग एक बार इस्टेब्लिश कर लें और उसे मेंटेन कर लें, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है केस स्टडी के तौर पे मैगी का। मैगी बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो लगभग आज हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप देखिए मैंने हिस्ट्री भी दी हुई है, ये नेस्ले वालों का प्रोडक्ट है। आपको बता दें नेस्ले की चॉकलेट भी आती है, किटकैट इंपॉर्टेंट चॉकलेट है उसकी। 1983 में मैगी प्रोडक्ट को लॉन्च किया इंडिया में, इंस्टेंट नूडल प्रोडक्ट है। यहाँ लिखा है टेक द केस ऑफ नेस्ले विच वॉज द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स इंस्टेंट नूडल प्रोडक्ट इन 1983 बाय द नेम मैगी, मैगी के नाम। और 1983 भारत के इतिहास में बहुत अहम साल है, बहुत अहम साल है 83। अहम मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारत ने पहली बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज को हरा के। वेस्ट इंडीज की सुप्रीमेसी को ध्वस्त किया था भारत ने, और कपिल देव का नाम जो था उस समय क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक नए स्टार के रूप में उभर के आया 1983। और 1983 वो वर्ष है जब गुलाम अली की वो जो गजल है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो परवान चढ़ने लगी थी। और 1983 वो वर्ष है जब हम लोग बीए की दहलीज पार करके एमए प्रवेश पीजी ब्लॉक में ले चुके। तो उस समय ये प्रोडक्ट मैगी का धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा था, और खासकर जो यपीस कल्चर है, यंग अर्बन प्रोफेशनल कल्चर है, वो मार्केट में दिखाई पड़ने लगा था। बहुत सी यंग लेडीज जो थी जब ज्वाइन द वर्कफोर्स और समय की कमी थी, तो ये जो 2 मिनट इंस्टेंट नूडल प्रोडक्ट है, शुरू में मार्केट कैप्चर करने में जरूर टाइम लगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है उसको अपना ब्रांड नेम बनाने में वक्त लगता है, और मैगी को भी इनिशियली कुछ साल स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन बहुत जल्दी मार्केट में उन्होंने अपना ब्रांड नेम बना लिया, यहाँ लिखा भी है हमने, ओवर टाइम इट परफॉर्म सो वेल दैट इट्स ब्रांड पोजिशन रिमेन अनडिस्प्यूटेड इन द इंडियन इंस्टेंट नूडल मार्केट। कि बहुत कुछ समय बाद ही उसने अपनी ब्रांड पोजीशन एस्टेब्लिश कर ली, और तब से लेके आज तक यानी 83 यानी लगभग 37-38 ईयर्स हो गए, और इस 37-38 साल में उसकी ब्रांड पोजीशनिंग को कोई चैलेंज नहीं कर पाया, ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। और आज भी उसका शेयर इंस्टेंट नूडल मार्केट में जो और प्रोडक्ट हैं उनका मिला लीजिए तो सबका 40% है, और मैगी का अपना शेयर 60% है, जबकि एक टाइम इसका शेयर 90% होता था। कम हुआ है क्योंकि ब्रांड्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी 60% शेयर कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। आज भी इसका शेयर 60% है। यहाँ लिखा है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट, जबकि और भी बहुत से मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट, 60% शेयर अकेले ब्रांड मैगी का है और इंस्टेंट नूडल मार्केट। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ मैगी नॉट ओनली हेल्ड इट टू एंजॉय सब्सटेंशियल शेयर इन द इंस्टेंट नूडल मार्केट, ना केवल 60% शेयर वो एंजॉय कर रहा है, बट इट ऑल्सो फैसिलिटेटेड टू चार्ज अ प्रीमियम ओवर इट्स कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट दैट ऑफ पीएल, लिखा है आपने पीएल ऐसे नाम सुना होगा, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, हुज आटा नूडल्स क्लासिक ऑफ 70 ग्राम पैक इज प्राइस एट 15 रुपीज पर पैक। यानी अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से हम इसे कंपेयर करें पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड से, तो 10 रुपए का प्रीमियम आपको दिखाई पड़ेगा। मैगी का दाम करीब 25 रुपए पर पैक है, आटा नूडल्स क्लासिक से अगर हम कंपेयर करें पतंजलि उद्योग के तो लगभग 15 रुपए पर पैक पे मिलेगा।
तो जो ब्रांड पोजीशनिंग है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि ये भी आपको बता सकें कि इस कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर है उसका केवल इस्तेमाल सेल्स प्रमोशन के लिए नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल इसलिए भी है कि वो जो राइवल का प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रीमियम भी चार्ज कर सके, और वो प्रीमियम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। 10 रुपीज पर पैक इज नॉट अ स्मॉल प्रीमियम, 5 रुपए भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रीमियम है पर पैक। तो बिसाइड्स पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, इट इज वर्थ मेंशनिंग टू नेम ऑफ अदर मेजर प्लेयर्स एंड देयर प्रोडक्ट, कि और जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट के नाम और प्लेयर्स के नाम जो है वो भी बता दें, ताकि आप ये असेस कर सकें कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग ऑफ मैगी इज ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि बाकी जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका भी नाम बता दें, उनके प्रोडक्ट का भी नाम बता दें, और आप भी देख लें आप में से कितने लोगों ने यूज किया लगा रखा वो, और तब आपको लगेगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक बैरियर है। यहाँ पे नाम दिया हुआ आईटीसी, बहुत मशहूर कंपनी, आशीर्वाद आटा कंपनी है, ये भी नूडल बना रही है सनफीस्ट यप्पी के नाम से बना रही है, सनफीस्ट यप्पी। एचयूएल का नाम आपको पहले भी ले चुके हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और नॉर KNORR नॉर्थ सूपी नूडल्स के नाम से इनका प्रोडक्ट है, नॉर्थ सूपी नूडल्स। वैसे तो नॉर्थ सूप अपने आप में आते हैं, ये सूपी नूडल्स हैं। GSK जो है ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन है, मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन फूड में भी उनका दखल है, हॉर्लिक्स बिस्किट उनके आते हैं, हॉर्लिक्स वैसे दूध में भी मिला के आप पी सकते हैं, वो लोग भी बना रहे हैं नूडल्स हॉर्लिक्स फूडल्स के नाम से, हॉर्लिक्स फूड या प्रोडक्ट लिखा GSK है, ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन। इंडोनेशियन बहुत पुरानी कंपनी है, सबसे पहली राइवल कंपनी थी मैगी की, और मेरे ख्याल से लेट 1980s में या 90s में उन्होंने प्रवेश किया था मार्केट में, और इंडोनेशियन टॉप रेमन के नाम से अपना नूडल बना रहे हैं, टॉप रेमन। फ्यूचर ग्रुप है, ये भी एक बड़ी कंपनी है, टेस्टी ट्रीट के नाम से ये अपना नूडल बना रहे हैं, टेस्टी ट्रीट। सीजी फूड्स हैं, वाई वाई के नाम से ये अपना नूडल बना रहे हैं, सीजी फूड्स, चौधरी ग्रुप है ये। और सातवें नंबर पे कैपिटल फूड्स है, चिंग सीक्रेट के नाम से नूडल्स बना रहे हैं। PAL पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है, आटा नूडल्स हैं इनके, दो अलग अलग इसमें प्रोडक्ट आते हैं, क्लासिक एंड चटपटा। और नवे नंबर पे मैरिको फूड्स है, सफोला उडल्स के नाम से बना रहे हैं नूडल्स अपने, सफोला उडल्स। तो ये 9 बड़ी कंपनीज हैं, ITC, HUL, मैरिको फूड्स, कोई छोटी कंपनीज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बाद भी मैगी का शेयर 60% है। आप सोच सकते हैं, आप इस बात को बड़ा ध्यान से सोचेगा कभी कि 60% इतनी बड़ी कंपनियों के बीच अगर कोई कंपनी अपना शेयर रख रही है तो कुछ बात है उसके प्रोडक्ट में। और दूसरी बात एक और यहाँ पे बताई है, मैंने बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री दी है मैगी की, कि डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच बिग प्लेयर्स एज वेल एज टेम्पररी बैन इम्पोज ऑन ऑन नेस्ले टू सेल मैगी इन अप्रैल 2015 ड्यू टू हायर लेवल्स ऑफ लेड एंड अजीनोमोटो, कि न केवल ये बड़ी कंपनीज हैं बल्कि अप्रैल 2015 में बाराबंकी के एक इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन के दौरान हाई कोर्ट ने मैगी पर बैन लगा दिया, और बैन दो चीजों को लेके लगाया गया, पहला ये कि जो लेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका कंटेंट बहुत हाई है, और अजीनोमोटो एक कंपाउंड है, अक्सर शादियों में आप देखे हलवाई वगैरह भी डालते हैं अजीनोमोटो, यूजुअली चटनी वगैरह को थिकन करने के लिए यूज होता है, और भी उसके यूजेस होंगे मुझे जितना आइडिया मैंने आपको बताया। और इस वजह से कोर्ट ने इसमें बैन लगा दिया, और बहुत नुकसान हुआ मैगी को, अपना सारा माल मार्केट से उठाना पड़ा। या मैंने लिखा है, मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़े थे,
कुछ में 27,000 टन लिखा था, कुछ में 35,000 टन लिखा था। इतना नूडल उन लोगों ने सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को दिया कि उसमें ये मिक्स करके यूज कर लें, क्योंकि तो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, अपनी इंडस्ट्री में भी जब सीमेंट नहीं रहा होगा तो पहले जो उड़द की दाल हुआ करती थी उसको मिक्स करके ये प्लास्टर वगैरह किया करते थे, सुर्खी मिलाते थे और साथ में और भी चूना वगैरह मिला के उसे। तो इसलिए मैगी वालों ने कुछ सीमेंट बनाने वाली कंपनीज को, अंबुजा सीमेंट जहाँ तक मुझे याद है, अंबुजा सीमेंट वालों ने कांटेक्ट किया था, और 27,000 टन मैंने यहाँ लिखा है, लोएस्ट एस्टिमेट है, लेकिन हो सकता है 27 से 35 हज़ार टन के बीच ये हो। इतना मैगी उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है मैगी नेस्ले, उन्होंने इस लॉस को बेयर किया और एक नया सीईओ इंडिया में अपॉइंट किया उन्होंने, और दिसंबर 2015 में मैगी को रीलॉन्च कर दिया। अप्रैल में बैन लगा और दिसंबर में रीलॉन्च कर दिया, कितनी बड़ी बात है। एंड सून अगेन इट कुड एस्टेब्लिश इट ब्रांड पोजीशन, यानी 6 महीने के अंतराल में उन्होंने सारा उलट फेर करके दोबारा अपनी ब्रांड पोजीशनिंग बना ली, और 60% मार्केट अभी भी उनके पास है। ये आप सोचिए, 60% मार्केट अभी भी, इतना बड़ा सेटबैक लगने के बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी चीज है। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग मैगी नूडल्स हैज इन द मार्केट दैट इट हैज बिकम अ पेट नेम फॉर नेस्ले मेनी अदर प्रोडक्ट, यानी नेस्ले के बहुत से प्रोडक्ट अब मैगी के नाम से आते हैं। हो सकता है लोग नेस्ले का नाम ना जानते हो, मैगी का नाम जानते होंगे, जैसे मैगी सॉसेस हैं, टमाटो केचप जो है मैगी के नाम से आती है, मैगी सूप्स, मैगी पिकल्स अचार, मैगी मैक्रोनी, मैगी इंस्टेंट मिक्सेस, मैगी टुनाइट्स स्पेशल, मैगी कोकोनट मिल्क, मैगी क्यूब्स, मैजिक क्यूब्स, मैगी क्यूब्स हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं इनके मैगी के नाम से, यानी एक तरह का मैंने बताया कि पेट नेम बन गया है नेस्ले का मैगी इंडिया में। और नीचे लिखा भी है, टुडे मैनी मे नॉट बी नोइंग मच अबाउट नेस्ले इंडिया लिमिटेड बट आर वेरी मच अवेयर अबाउट मैगी, लेकिन मैगी के बारे में लोग जरूर जानते हैं। आप एक कोने में भी चले जाएंगे तो आपको मैगी मिल जाएगा, नेस्ले उससे पूछेंगे वो नहीं बताएगा, मैगी बता देगा। और मेन कारण जो तमाम इस रिसर्चेज हुई, ये पता चला कि जो उनका मसाला है उसका कुछ अलग फ्लेवर है। यहाँ लिखा भी है, रियली व्हाट अ ग्रेट ब्रांड नेम मैगी हैज दैट इट्स कॉम्पिटिटर्स आर एनवी ऑफ इट एंड ट्राइंग एवरी बिट ऑफ एफर्ट टू ब्लेंड स्पाइसेस टू सच अ परफेक्शन दैट कुड प्रोवाइड टेस्ट विच इज इक्वली सेटिस्फाइंग इफ नॉट मोर एज दैट ऑफ मैगी मसाला फ्लेवर एंड विच हैज जनरल एक्सेप्टेंस अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री बट आर नॉट वेरी सक्सेसफुल टिल नाउ। यानी और जो ये 9 कंपनी जिनके नाम बताए, हो सकता है आपके नॉलेज में और ज्यादा हो, 10 हो, लेकिन आज भी मैगी मसाला जो उनके पास है वो जो क्वालिटी है वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से मैगी 60% शेयर इंजॉय कर रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखा है कि रियली व्हाट अ ग्रेट ब्रांड नेम मैगी हैज दैट इट्स कॉम्पिटिटर्स आर एनवी ऑफ इट एंड ट्राइंग एवरी बिट ऑफ एफर्ट टू ब्लेंड स्पाइसेस टू सच अ परफेक्शन दैट कुड प्रोवाइड टेस्ट विच इज इक्वली सेटिस्फाइंग इफ नॉट मोर, यानी उससे ज्यादा ना हो कम से कम उसके बराबर हो जो कि मैगी मसाला फ्लेवर का टेस्ट है, एंड विच हैज उसकी जिसकी जनरल एक्सेप्टेंस अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री बट आर नॉट वेरी सक्सेसफुल टिल नाउ। अपने अभी हॉस्टल में होता होगा जरूर, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन IIT में जाता रहा क्योंकि बेटा पढ़ता, तो मैंने बहुत करीब से देखा, वहाँ कैंटीन वगैरह में लोग एक एक दो दो मैगी के पैकेट खाते थे। तो मतलब वो ब्रांड नेम ऐसा है कि बच्चे अगर कहीं पढ़ने भी जा रहे हैं तो ब्रांड नेम से वाकिफ और उसको यूज कर रहे हैं। सच अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटी टू द इनकम्बेंट फर्म टू चार्ज प्रीमियम ओवर कॉम्पिटेटिव प्राइस। अगर इतनी स्ट्रांग
ब्रांड पोजीशनिंग है तो आप उस पर प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर 2 रुपए पर पैकेट भी आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो बहुत बड़ा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी है और उस पर भी आप प्रीमियम दे रहे हैं बहुत बड़ा है। यहाँ तो पतंजलि और इसका मैंने बताया 10 रुपए पर पैकेट का डिफरेंस। इट इज बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन दैट जनरेट्स ब्रांड लॉयल्टी। यानी इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन है जिसकी वजह से लोगों की ब्रांड लॉयल्टी है प्रोडक्ट के प्रति, और ये ब्रांड लॉयल्टी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड दोनों के लिए हो सकती है, न केवल कंज्यूमर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के लिए भी हो सकती है। दैट लेड बेन टू रिगार्ड इट एज द मोस्ट सीरियस बैरियर टू एंट्री, और ये सबसे सीरियस बैरियर टू एंट्री माना है बेन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है ये केस स्टडी के बाद कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस बैरियर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली है ड्यूरेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है उसकी वो कितना ड्यूरेबल है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? और यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट क्या। अभी जैसे एक्वागार्ड का वाटर प्यूरिफायर है, आप देखिए हर घर में लगा, तो उन्होंने भी अपना एक ब्रांड नेम बना लिया। कैंट है और भी प्रोडक्ट है, लेकिन एक्वागार्ड जैसा ब्रांड नेम नहीं, उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी और ड्यूरेबिलिटी बहुत है। आप लगवा लें तो प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होगा, और उसमें सभी चीजें हैं। थोड़ा एडवांस मॉडल अगर आप लेंगे, यूवी भी है, फिल्ट्रेशन भी है, सब चीज है, तो ड्यूरेबिलिटी है प्रोडक्ट की, कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिकनेस है प्रोडक्ट का, शायद उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने बताया था पहले बजाज स्कूटर आते थे, एक बार ले लीजिए 17 से 20 साल की छुट्टी हो गई। तो वो ब्रांड नेम हमारा बजाज ऐसे नहीं बना। तो ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसे रेप्लिकेट करना मुश्किल है, और यूनिकनेस होनी चाहिए तभी वो ब्रांड नेम बन सकता। मैगी के केस में भी बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन जो स्पाइसेस हैं उसकी वो यूनिकनेस जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। दूसरा है नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, कि एडवर्टाइजिंग का नेचर कैसा है। कोई आप बहुत बड़ा स्टार यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, या सिंपल स्लोगन भी कई बार बहुत काम करता है, वन लाइनर एड जो है, दैट समटाइम्स स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द प्रोडक्ट, और वो आई कैचिंग भी है। जैसे मैगी के केस के मैंने यहाँ लिए हैं वन लाइनर एड, 2 मिनट नूडल, यानी इट सिग्नल्स कन्वीनियंस इन कुकिंग। बच्चा भी जाके बना लेगा मैगी के नूडल, बनाने में क्या रखा, पानी गर्म कीजिए, मसाला मिलाइए, नूडल डाल दीजिए, तैयार, 2 मिनट बस, 2 मिनट नूडल। और एक और एड उनका है टेस्ट भी हेल्थ भी, यानी जो आटा नूडल्स लॉन्च किया, सिग्नल टेस्ट एंड हेल्थ बोथ। उसमें आपको जो इंस्टेंट नूडल्स हैं उनके आटा नूडल्स, उसमें आपको गाजर का भी फ्लेवर मिलेगा, मटर का भी उसमें स्वाद आ रहा है, सब चीजें हैं उस मसाले में, और क्या चाहिए आपको। 25 रुपए में आपने पेट भर लिया आपने। और एक और ऐड है 2 मिनट में खुशियां, यानी 2 मिनट में खुशियां आप लीजिए, गिव्स हैप्पीनेस एज इट सेटिस्फाइज योर एपेटाइट, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, अरे स्टमक फेल हो गया, भूख लगी थी आपने खा लिया अपना। मैंने बताया उस तरह से बच्चे यूज कर रहे हैं, तो भूख लगी है समोसा खाने से बेहतर है आप मैगी खा लीजिए, मच सेफर। समोसे में कई बार आलू छील के नहीं डालते, पता चला उसमें खाद वाद लगी रह गई, वही आपने खा लिया, और पूरा मैदा है, अब तो आटा नूडल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए।
तीसरा जो है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी के मेथड्स क्या हैं। अगर एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट है आपका किसी के साथ, तो जो पोटेंशियल एंट्रेंट है उसको अभी एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट बनाने में टाइम लगेगा, और अगर बनाना है तो उसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंसेशन देना पड़े, जो इनकमबेंट फर्म दे रही है उससे कहीं अधिक कंसेशन देना पड़े, तब एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट हो पाएगा। तो जो इनकमबेंट फर्म है उसको ये भी एडवांटेज है, अगर उसका प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट है, तो मार्केट और ज़्यादा कैप्चर कर लेगा, प्रीमियम भी ज़्यादा ले सकता। चौथा पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इनोवेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को इनोवेट करें, अपग्रेड करें। जैसे मैगी 2015 में हाई कोर्ट में केस हारने के बाद उन्होंने लेड और अजीनोमोटो कंपाउंड को कम कर लिया, और फिर बहुत तत्परता से उन्होंने मार्केट में दोबारा लॉन्च किया और 60% मार्केट एक्वायर कर लिया। तो रिसर्च और डेवलपमेंट आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम लोगों को भी अब केस स्टडीज से बतानी पड़ रही है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूसेज आपके पता चलना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके कोई रेलिवेंस है या सर बेवजह पढ़ा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है ईज विद विच प्रोडक्ट इज एक्सेसिबल, ई जो है यानी प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, कितनी आसानी से प्रोडक्ट मिल रही है। गांव में भी आप जा रहे हैं वहां पता चला मिल रहा है वो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर आप क्या देकर, फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो बेकार है। तो प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं लोग आसानी से प्रोडक्ट को खरीद सकें। कोरोना काल में डॉक्टर की एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल, जिनके पास कोई नहीं आता था उनके पास भी अब इतनी भीड़ है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इज विद विच प्रोडक्ट इज एक्सेसिबल, कितनी आसानी से प्रोडक्ट उपलब्ध है तभी वो ब्रांड नेम बन पाएगा, और ये एडवांटेज है मैगी को इस मामले में। तो ये फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट प्रेफरेंस में, कि कंपनीज जो हैं अपनी ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट में डेवलप कर पाए और जो राइवल प्रोडक्ट है उससे थोड़ा हायर प्रीमियम दे पाए। अगर वो प्रीमियम 1 रुपये या 2 रुपये पर पैकेट भी है तो बहुत हाई प्रीमियम है, ये मत सोचेगा कम पर पैकेट, और यहां तो मैंने बताया 10 रुपए प्रीमियम। बाकी जो कंपनीज हैं उनको भी टाइम लगेगा एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट की बनाने में तमाम जगह, और मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करने में इतना आसान नहीं है टास्क, और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ब्रांड पोजीशन नहीं बन पाएगी। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे है फिफ्थ की फाइंडिंग्स ऑफ बेन स्टडी अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर, कि बेन ने क्या पाया अपनी स्टडी में इस बैरियर को। बेन स्टडी रिवील्ड दैट दिस बैरियर इज स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट इन 5 इंडस्ट्री, 20 जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दी टोटल, उसमें 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, लिकर, ट्रैक्टर्स एंड टाइपराइटर्स। एक टाइम टाइपराइटर्स का भी मुद्दते गुजरी पर अब तक वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। तो टाइपराइटर किसी जमाने में बहुत अच्छे थे, रेमिंगटन के टाइपराइटर माने रखते थे। कौन सा टाइपराइटर है, रेमिंगटन का ब्रांड नेम था वो भी। ऑटोमोबाइल, सिगरेट, लिकर, ट्रैक्टर्स एंड टाइपराइटर्स। तो बेन ने 20 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 5 में ये पाया बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, बाकियों में मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द बैरियर, किस बैरियर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये मत समझिएगा कि लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटलेस है, लिमिटेशंस भी हैं कुछ इसकी। पहली है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीफ्रेंस बैरियर इज सब्सटेंशियली डाइल्यूटेड इफ पोटेंशियल एंट्रेंट इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश फर्म इन अदर इंडस्ट्री। इफ अगर कोई एस्टेब्लिश फर्म, अगर कोई पोटेंशियल एंट्रेंट है वो ऑलरेडी किसी रिलेटेड इंडस्ट्री में, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आप देखें सोप्स में, एक एस्टेब्लिश फर्म, सर्फ एक्सेल ब्रांड नेम है ये भी। तो अगर वो मान लीजिए इंस्टेंट नूडल मार्केट में आई, जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आई, तो वहां पे पोटेंशियल एंट्रेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल है। भले वो दूसरी फील्ड में इंडस्ट्री रही हो, क्योंकि उसके पास मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, एडवर्टाइजिंग भी वो करा सकती है, तो वहां पे जो इस्टेब्लिश फर्म है उसको बड़ा ध्यान देना होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। और मैंने इसीलिए कहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बाद भी मैगी का 60% शेयर है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम इंडिकेट करता है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। दूसरा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर में वर्क समटाइम्स अगेंस्ट द इनकमबेंट फर्म, कि कई बार जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर है वो इनकमबेंट फर्म के अगेंस्ट भी काम कर सकता है। और यहाँ मैंने नीचे कारण भी दिया है कि इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग, ये जो आज का आधुनिक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है वहां पे टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत तेज बदल रही है, ओनली दोज फर्म्स विच वुड क्विकली एडेप्ट टेक्निकल चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली इनोवेट इम्प्रोवाइज देयर प्रोडक्ट वुड सर्वाइव, कि जो लोग उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। मैंने ECTV, Aptron और नोकिया जैसी कंपनीज आप एग्जांपल ले सकते हो। जब सिंपल मोबाइल फोन आए, नोकिया वाज़ अ ब्रांड नेम, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो धीरे धीरे नोकिया किनारे हो गया, सैमसंग उसकी जगह आ गया, रेडमी आ गया, रियलमी आ गया, चीजें बदल गई सर। तो कंपनी को टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रांड नेम नहीं रहेगा। और यहाँ लिखा है, इफ इनकम्बेंट फर्म रिमेन्स स्लगिश, अगर इनकम्बेंट फर्म जैसे नोकिया स्लगिश रह गई, पोटेंशियल एंट्रेंट में यूज इट एज ए टूल टू नॉट ओनली एंटर बट में टेक सब्सटेंशियल शेयर इन द मार्केट, और मार्केट में एक अच्छा शेयर अपना ले जाए। और यहाँ पे नोकिया फिसल गए, अब बाकी कंपनीज एक अच्छा शेयर, सैमसंग अपना अच्छा शेयर ले गए, रेडमी फोन बहुत पॉपुलर हो गए लोगों। दस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर में समटाइम्स बैकफायर द इनकम्बेंट। तो कई बार ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर है ये बैकफायर भी कर सकता है अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करती, टेक्निकल चेंज को अडेप्ट नहीं करती टाइमली। यहाँ लिखा है, देयर इज अ नीड फॉर द इनकम्बेंट फर्म टू कीप अब्रेस्ट विद द टेक्नोलॉजी, कि अपने आप को टेक्नोलॉजी से अब्रेस्ट रखे, उसके साथ साथ रहे, एंड कीप ऑन इनोवेटिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग द प्रोडक्ट, और हमेशा अपने प्रोडक्ट को इनोवेट और इम्प्रोवाइज करता रहे, नहीं तो क्या होगा। यहाँ मैंने लिखा है एक, ये लास्ट में भजन है, बहुत अच्छा भजन है, सुधा मेहरोत्रा जी ने गाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा जरूर भजन ये और फिर बताइएगा। उसकी लाइनें मैंने यहाँ दो चार लिखी हैं, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई, यानी अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो फिर आप वो काई की तरह गंदे हो जाएंगे, और अगर बहते रहा पानी तो साफ रहेगा। थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियां ही साफ कहलाई, लाए क्या थे जो लेके जाना है, नेक दिल ही तेरा खजाना है, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं। सुनिएगा, बहुत अच्छा भजन है।
क्योंकि मुझे अच्छा लगता, हो सकता आपको भी अच्छा लगे, और सुनिएगा इसको YouTube पे अगर आपको मिले कहीं पे। तो आप में से कई लोग संगीत के बहुत शौकीन हैं, प्रशांत पांडे जी को तो मैंने देखा कुछ गिटार वगैरह बजाते हुए, और आप में बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द मैसेजेस, और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। पूजा हो चाहे शिवांगी जी हो, दे यूज्ड टू गिव अस वेरी गुड फीडबैक। और बताइएगा आपको कैसा लगा, और मैंने यहाँ सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई हैं किताबों की, और पहले भी दी हुई हैं, आपको ठीक लगे तो इनमें से कोई आप रीडिंग्स पढ़ भी सकते हैं। और बाकी मैंने काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर बनाए हुए हैं। केस स्टडी केवल आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है, आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि आप उस बैरियर को और अच्छे से समझ सकें। बाकी एग्जाम व्यू पॉइंट से वो केस स्टडीज बहुत मैटर नहीं करती हमारे यहाँ, क्योंकि MBA हम लोग नहीं करा रहे, हम लोग MA इकोनॉमिक्स करा रहे हैं। लेकिन केस स्टडी आपको जब पता चलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ, देयर इज अ लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्लाइड्स आप छोड़ देंगे तो बहुत कम स्लाइड्स आपकी बचेंगे। नोट्स आप वीडियो देख के बना लें अपने, ये मत सोचेगा कि वीडियो आपने देख लिया और आपको याद हो गया। आप अपने नोट्स बना लीजिए वीडियो, और जहां आपको दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं। तो ये तीसरा लेक्चर है लिमिट प्राइस थ्योरिंग पे, और बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन पे दूसरा लेक्चर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे ऑलरेडी लोडेड है, जो यूनिट वन में है, और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पे भी लोडेड है। और एक बार ये लेक्चर खत्म होंगे तो फिर हम एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पर भी लेक्चर डालेंगे आपके लिए। अभी स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं कोरोना की वजह से, तो बहुत स्पीड अप हम नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े लेक्चर आपको डाल रहे हैं। और आप सब लोग ये कोरोना टाइम से घर पर रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और वीडियो को एंजॉय करते रहें, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि ये कठिन समय है, और इस कठिन समय में आपको बहुत एहतियात बरतना है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है। हम लोग की ज़िंदगी बहुत आराम तलब हो गई थी, लेकिन कोरोना हमको ये सिखा रहा है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, और इंसान को हमेशा, जो अभी मैंने बताया, कि नेक राह पे चलना चाहिए, अच्छी राह पे चलना चाहिए, वही चीजें इंसान के साथ जाएंगे और कुछ नहीं। भजन जरूर सुनिएगा और बताइएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू फ्यू ऑफ देम हु आर प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू मी। थैंक्स अ लॉट। ओके, गुड बाय।